भाजपा संसदीय दल की बैठक में हुई कोरोना वायरस पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल स्टाफ सहित मीडिया की भूमिका की सराहना की। गुरुग्राम में कोरोना वायरस का हरियाणा का पहला पॉजिटिव मामला सामने आया। संक्रमित महिला को रखा गया आइसोलेशन वार्ड में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की चल रही परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने की छापेमारी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती पर उन्हें किया नमन। कहा, कल्पना चावला महिला शक्ति की पर्याय। नमस्कार, मैं कामिनी मलिक और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में आज कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालात पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की ओर से इस मामले में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि डॉक्टर हो या कर्मचारी, सभी ने अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से निभाया है। उन्होंने मीडिया की भूमिका की भी तारीफ की और कहा कि मीडिया ने मौजूदा हालात में बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा है कि एयरपोर्ट, रेलवे और बंदरगाहों पर काम कर रहे लोगों की सराहना करें और उन्हें हर क्षेत्र में छोटे छोटे समूहों में सतर्कता और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को कहें। बैठक में यह भी तय किया गया है कि संसद का सत्र अपनी नियत तारीख तक ही चलेगा। प्रधानमंत्री जी बहुत आग्रहपूर्वक एक चीज कहा, वो ये था कि भारत के मीडिया, बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ऑफ द कंट्री, बहुत पॉजिटिवली ये जो कोरोना वायरस के बारे में कैंपेन की है, जागृति की है, सतर्कता के बारे में सूचना दी है, के बहुत सराहना की। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि मौजूदा संसद बजट सत्र 3 अप्रैल तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के बाहर संवाददाताओं को बताया कि सत्र की अवधि कम करने की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की सराहना की। स्टाफ और बहुत सारे जो हमारे एयरलाइंस से जुड़े हुए हमारे पायलट्स हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, और विशेषकर जिन लोगों ने, जो हमारे भारतीय लोग विषम परिस्थितियों में इस बीमारी के प्रकोप के रहते भी दूसरे दुनिया के देशों से भारतीयों को वापस लाने का काम किया है, उसमें हमारे डॉक्टर्स सारे देश के अंदर जो है बहुत ही गहराई, ईमानदारी, सच्चाई और सब प्रकार की जो रिस्क लेते हुए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबकी ओर से देश के डॉक्टरों को और पूरा जितने भी पैरामेडिक्स हैं सभी को बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत में कुल 126 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जबकि इनमें से 13 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं आज मुंबई में एक 63 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत की खबर आई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के कारण मृतकों की संख्या अब 3 हो गई है। इससे पहले दिल्ली और कर्नाटक में एक महिला और एक बुजुर्ग की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई थी। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के कारण स्कूल, महाविद्यालय, जिम, म्यूजियम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघरों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। इस संबंध में एक परामर्श राज्य सरकारों को भी भेजा गया है। छात्रों को भी घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। गुरुग्राम की रहने वाली महिला को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक सूरजभान कंबोज ने बताया कि यह महिला अभी स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि संक्रमित महिला को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने बताया कि यह महिला कुछ दिन पहले मलेशिया, इंडोनेशिया से यात्रा करके आई थी। सूरजभान कंबोज ने कहा कि अब तक 66 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और करीब 3,000 लोग सर्विलांस पर रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर एहतियात के लिए सभी संस्थानों और विभागों को हिदायतें दी गई हैं ताकि कोरोना वायरस से बचाव किया जा सके।
पॉजिटिव तो एक केस आया है, हमारा गुरुग्राम से है, बाकी जो है 66 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, तो एक पॉजिटिव आया है, बाकी 3000 लोग जो हमारे जो सर्वेलेंस पे रखे गए थे, और बाकी जो भी इसमें एहतियात हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हिदायतें जो है सभी तरह की जारी की गई है ताकि इस कोरोना वायरस से बचा जा सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की चल रही बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं के बाद प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री फ्लाइंग के माध्यम से प्रदेश भर में छापेमारी शुरू कर दी है। भिवानी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने आज गणित के पेपर के दौरान एकाएक छापेमारी की और स्कूल स्टाफ व ड्यूटी में तैनात अन्य कर्मचारियों के मोबाइल की जाँच की। हरियाणा के 1685 परीक्षा केंद्रों पर 7,41,000 परीक्षार्थी इन दिनों अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं। सरकार की सख्ती के बाद न केवल नकल रोकने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि पेपर लीक होने की घटनाओं की जांच भी अब मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के माध्यम से की जा रही है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम के सदस्य दिनेश यादव ने कहा कि पेपर लीक होने की संभावनाओं को खत्म करने के लिए जांच अभियान चलाया गया है। पिछले दिनों भिवानी के गांव चिड़िया में पेपर लीक करने वाले एक अध्यापक को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुप्त रूप से करता है, तो आज हम यहाँ आए हैं तो हमने यहाँ चेक किया है, दो स्कूल चेक किए हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स का और गवर्नमेंट बॉयज़ का, तो ये दोनों सेंटर ठीक हैं और हम आगे भी और जगह चेकिंग करेंगे, तो इसके बारे में तो नहीं बता सकते कि आगे हम कहाँ चेक करेंगे, ये तो गुप्त सूचना होती है। बाकी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता सतर्क है और सजग है। सीएम फ्लाइंग मेहनत से काम कर रही है और पीछे भी हमने एक चिड़िया गांव में जो लीक हुआ था उसका टीचर को गिरफ्तार कर लिया है सीएम फ्लाइंग ने, और भी जो मामले हैं उन मामलों में तहकीकात चल रही है और जांचें चल रही हैं, ऐसा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सीएम फ्लाइंग बहुत ही मेहनत से काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती पर उन्हें नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा कि पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री महिला शक्ति की पर्याय देश की बेटी कल्पना चावला को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। आज ही के दिन भारत की महान बेटी कल्पना चावला का जन्म हुआ था। उन्होंने विश्व स्तर पर अपने परिवार और राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। कल्पना का स्पेस शटल धरती के कक्षा में प्रवेश करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों का निधन हो गया था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला थी और भारतीय मूल की दूसरी नागरिक। उच्चतम न्यायालय ने महिला और पुरुष अधिकारियों को समान मानते हुए नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की आज स्वीकृति प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश की सेवा कर चुकी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न देना न्याय के सिद्धांत की गंभीर अवहेलना होगी। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए हरियाणा रोडवेज विभाग मुस्तैद हो गया है। सिरसा मुख्यालय में हरियाणा रोडवेज की सभी बसों को सैनिटाइज किया गया है। रोडवेज महाप्रबंधक खूबीराम कौशल ने बताया कि बसों की साफ सफाई से पहले कीटनाशक का छिड़काव किया गया और बाद में उन्हें अच्छी तरह से धोया गया। खासतौर पर लंबे रूटों पर चलने वाली बसों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खूबीराम कौशल ने बताया कि सुबह शाम दोनों शिफ्ट में चलने वाली बसों को अच्छी तरह साफ किया गया है। उन्होंने कहा कि परिचालकों को बार बार हाथ धोने के साथ ही सैनिटाइजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। इससे हम गाड़ियों को ब्लीच करवा रहे हैं, निसापोल से धुलवा रहे हैं और पूरा सैनिटाइज्ड कर रहे हैं, और ये धोने के बाद उसके बाद कपड़ा मारते हैं ताकि गीली सीटें हों तो पैसेंजर को भी तो साफ सीटें चाहिए, और इसमें पूरी हिदायत बरती जा रही है। हाँ, सभी बसों को सैनिटाइज किया, हम खुद खड़े होकर यहाँ पर एक एक गाड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं और इनको पूरे सुपरवाइजर को मैंने सख्त आदेश दिए कि दिन रात में जो भी गाड़ी आएगी पूरे सैनिटाइज होकर जानी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए आइसोलेटेड वार्ड्स का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना वायरस को लेकर बेहद गंभीर है और लोगों को इसके संबंध में घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम किया जा रहा है। प्रदेश में इस वायरस से बचाव को लेकर निकट भविष्य में 6,500 बेड का प्रावधान किया जाएगा और 1,300 आइसोलेटेड वार्ड्स बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम के निजी अस्पतालों में जो भी मामले सामने आए हैं वे सभी विदेश से आए हैं और उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। मनोहर लाल ने बताया कि विदेश में यात्रा करने वालों में इस बीमारी के लक्षण ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में उन सभी को 15 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखकर जांच की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी परिसर में रखे गए 46 ऐसे मरीजों को रिपोर्ट के आधार पर अब छुट्टी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि वे अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रखें और किसी भी वस्तु को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें। कोरोना को लेकर के जो चिंता बनी है उसकी तैयारियां सब जगह पर व्याप्त की जा रही हैं कि हम उसको किस तरीके से रोक पाएं। और मैं आपको एक विश्वासपूर्वक ये बात बता रहा हूं कि हरियाणा में हम लोगों ने जो भी कोई आवश्यकताएं होंगी जिस प्रकार की भी उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि हरियाणा में अभी कोई केस ऐसा नहीं आया है जो इस प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड हो। लेकिन चूंकि विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन एक प्रकार से उनको अलग रखा जाता है ताकि उनको नजर रखी जा सके, मिनिमम पीरियड 15 दिन का उसका दिया हुआ है। और ये व्यवस्थाएँ सब जगह जहाँ जाए ऐसे विदेश से आने वाले लोगों की संभावना है उन जगह की जाती है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर को अब किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। उच्चतर शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को अगर चाइल्ड केयर, मैटरनिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विदेश यात्रा के लिए अवकाश लेना होगा तो उनको आवेदन ऑनलाइन ही करना होगा। उन्होंने बताया कि यह सूचना जारी होने के बाद सभी प्रकार के अवकाश या NOC निदेशालय में केवल MIS पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत होंगे। व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जनगणना 2021 का कार्य 1 मई से शुरू किया जाएगा। इसी कड़ी में सिरसा में 43 फील्ड ट्रेनर्स का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित सभी मुख्य संकल्पनाओं और परिभाषाओं के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि 5 दिन के प्रशिक्षण शिविर में फील्ड ट्रेनर्स को सभी मुख्य संकल्पनाओं और परिभाषाओं के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। सहायक जिला सांख्यिकीय अधिकारी हनुमान प्रसाद ने बताया कि हरियाणा में जनगणना 2021 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 15 जून 2020 के दौरान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में जनसंख्या गणना का कार्य 9 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक और रात को बेघरों की जनगणना का काम 28 फरवरी 2021 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार जनगणना डिजिटल मोड पर करवाई जा रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान, संग्रहालय, जिम, स्विमिंग पूल और थिएटर को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। इस बारे में राज्य सरकारों को परामर्श भेज दिया गया है। विद्यार्थियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। इस बीच केरल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 4 नए मामलों के साथ देश में 114 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर 1075 शुरू किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा संसदीय दल की बैठक में हुई कोरोना वायरस पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल स्टाफ सहित मीडिया की भूमिका की सराहना की। गुरुग्राम में कोरोना वायरस का हरियाणा का पहला पॉजिटिव मामला सामने आया। संक्रमित महिला को रखा गया आइसोलेशन वार्ड में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की चल रही परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने की छापेमारी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती पर उन्हें नमन किया। कहा, कल्पना चावला महिला शक्ति की पर्याय। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।